राजा मान सिंह की पूरी 12 वाइफ रहती थी। और ये देखे, ये पूरे बनाए गए हैं। ये जो है रूम देख रहे हैं आप, ये है रूम, ये तकरीबन पूरे 12 रूम है और 12 रानियों के 12 रूम है। राजा इसके ऊपर से चल के जाया करता था और बादशाह का कमरा वहाँ पर था, जो कि मानसिंह राजा, तो ये उनका रूम था और वहाँ से ये निकलते थे, तो यहाँ से आते थे और यहाँ पर जो भी रानी उनको पसंद आती थी, मतलब कि उनका मन करता था कि आज ये रानी के यहाँ पर जाना है रूम में, तो वो रानी के वहाँ चले जाया करते थे। ये रानी के वहाँ जाना है तो दूसरी रानी को, पूरे 11 रानी को खबर भी नहीं पड़ती थी कि ये राजा वो रानी के वहाँ पर गया। तो ये देखे, काफ़ी शानदार बनाया गया है। और यहाँ पर रानियों की डिस्कस हुआ करती थी, जो कि राजा यहाँ पर बैठता था, जो कि मानसिंह, यहाँ पर 12 पत्नियाँ बैठती थी उनकी और यहाँ पर डिस्कस हुआ करती थी। ये देखे, और सिक्योरिटी के लिए ये देख रहे हैं खिड़की, वहाँ पर सिक्योरिटी रहा करती थी और सिक्योरिटी में किन्नर रहते थे। किन्नर, ये देखे, ये टब होता था और ये है, ऐसा कमरा बनाया गया है जो कि हर रानी का कमरा ऐसा ही था और तकरीबन रानियाँ 12 रानी थी। अभी हम चल रहे हैं मानसिंह जी के कमरे को देखने के लिए। ये देखे, काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ से। हाय हाय हाय, क्या बेहतरीन नज़ारा है भाई। तो ये है कमरा जो कि फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये पुराना दरवाज़ा है इसके अंदर, और ये अभी ग्लास के अंदर कवर कर दिया गया है और अभी अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो ये देखिए, पूरा मार्बल से बनाया हुआ है और काफ़ी शानदार है। ये देखे, तीन कमरे इधर है। तो 12 रानियों का कमरा सेम ही है और यहाँ से सेम ही नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मर्द को आने की अलाउ नहीं था और यहाँ पर किन्नर रहा करते थे। किन्नर को सिक्योरिटी के लिए रखा जाता था, ऐसे जाते थे अपनी वाइफ की कमरे में, और वाइफ के कमरे में जाते तो थे बट पता नहीं चलता था। एक वाइफ के कमरे में जाते तो बाजू वाली को पता नहीं चलता था कि यहाँ पे, हाँ, 11 रानी को ही नहीं पता चलता था कि वो बादशाह अभी यहाँ पर है राजा। ये देखिए भाई, आए है है। अच्छा, इस टाइम में राजा घूमता था, किसी भी रानी से घूमता हुआ आता था, बाकी 11 रानी को ना पता चले वो किसी बात नहीं था। इस टाइप में गैलरी टाइप है, ये देखिए, इस टाइप में ये गैलरी है और यहाँ पर घूमता था और जो, मतलब जिसके पास उसको जाना था, जो बाइक के पास तो चला जाता था। ये देखिए भाई, इस प्रकार से नीचे हर कमरे के बाहर ये देखिए, यहाँ से एंट्री होती थी और ये देख सकते हैं, ये है कमरा। चले चलते हैं, ये देखे, ये देखे भाई। तो फाइनली हम आ गए हैं मानसिंह महल में और ये देखें यहाँ से व्यू, काफी शानदार व्यू है। हाय हाय, ये है मानसिंह पैलेस, आप देख रहे हो आप सामने, ठीक है। ये मानसिंह महल है, मानसिंह जी की 12 रानी थी, 12 रानियों के 12 कमरे हैं यहाँ पे। अच्छा, तीन सामने हैं जस्ट, तीन इधर हैं और तीन इससे सामने हैं और तीन ऐसे हैं, ऐसे 12 कमरे हैं, हर कमरे के 12 ऐसे सीढ़ियाँ मिलेगी आप। अच्छा, ठीक है, मानसिंह जी का कमरा जस्ट उसके ऊपर है सामने। अच्छा, वो वहाँ पे, और मानसिंह जी किसी भी रानी से मिलना होता है जब ऐसे घूमते हुए आता था चारों तरफ। अच्छा, किसी भी रानी से मिलता था ऐसे हर कमरे के पास सीढ़ियाँ मिलेगी, उसी सीढ़ियों से नीचे उतर के उस रानी के पास जाता था, बाकी 11 रानी को ना पता चले कि वो किससे मिल रहा है। ओहो, इसका मानचित्र इसी प्रकार बनाया गया है पूरे पैलेस का। ओहो, ठीक है, ये ऐसे बनाया गया है कि तकरीबन 12 रानियाँ थी यहाँ पर मानसिंह जी की, और ये ऐसा, मतलब कि बनाया गया है कि सबका सेम लगता है, जो कि हर रानी का कमरा सेम लगता है और राजा यहाँ से घूमकर
जहाँ जिस वाइफ के पास जाना चाहे उस वाइफ के पास जाता था, और ये इस प्रकार से बनाया गया है ताकि जब वो किसी रानी के पास जाता था तो दूसरी रानी को पता नहीं चलता था कि ये उस कमरे में जा रहा है, तो ये दिल दुखाने वाली बात नहीं हो जाती है, तो ये बहुत ही शानदार बात है। रानियों का महल, जो कि 12 रानियाँ थी पूरी, और एक बादशाह था, एक राजा था, एक के कमरे में जाता था तो 11 को पता नहीं चलता था कि वो उसके कमरे में गया है, तो ये काफ़ी शानदार मज़ेदार था भाई। क्यों सही बात है भाई, इतने सारे रानियों को कैसे संभालता हूँ आजकल के, आजकल तो एक नहीं संभाले जाती किसी से, एक में ही परेशान है भाई सब। बहुत हमला यहाँ पर रास्ते के लिए बनाया गया है, जो कि यहाँ पर रोशनी आया करती थी, अभी फिलहाल में ना यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, तो ये देखिए काफ़ी शानदार है। ये देखिए यहाँ पर फॉरेन कंट्री से जो आते हैं ना, तो उनके लिए ये ड्रेस है, इंडियन ड्रेस, तो आप लोग देख सकते हैं, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सब, ये देखिए आपको बता दो, फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आने के लिए में घूमने के लिए आते हैं ना, तो ये है ड्रेस, यहाँ पर आके ये ड्रेस चेंज कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, ये इंडियन ड्रेस पहन लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इंडियन ड्रेस पहन लेते हैं वो लोग यहाँ पर आकर, और वहाँ पर मैंने आपको बताया वहाँ से चेंज करते हैं। अब एग्जिट होते, आए हैं ये यहाँ से एग्जिट है, काफी शानदार है, ये देखे गाइस व्यू, आए हैं मजा आया सकी पूरा, मुझे तो बहुत मजा आया, पुराना जमाना याद आ गया, अर्तुगरुल आपने सीरीज देखी होगी उसके अंदर भी ऐसा ही बताया गया है पूरा।